नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ की जाएगी। कल 6 घंटे तक चला था सवालों का दौर, आज फिर से ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद भी पूछताछ निराधार रही, जिसके बाद आज एक बार फिर से ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया था, जिसके बाद ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। आज फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कल 6 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। आपको बता दें कि ईडी ने मंगलवार को उनसे 2 दौर में पूछताछ की थी। पहले दौर में करीब 3 घंटे सवाल जवाब हुए थे, फिर दोपहर भोजन अवकाश के बाद दूसरे दौर में भी जांच एजेंसी ने 3 घंटे उनसे पूछताछ की थी। फिर भी पूछताछ निराधार रही, जिसके चलते आज एक बार फिर से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी, पूछताछ दोबारा से की जाएगी और नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ लगातार जारी है। मथुरा से खबर है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आवाहन पर मंगलवार जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट धरने पर बैठ गए। उनके द्वारा स्थानांतरण नीति के विरुद्ध 2 घंटे का काम बहिष्कार किया गया। स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाकर अनियमित स्थानांतरण किए जाने के कारण फार्मासिस्ट ने चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार किया। मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। हाल ही में उन्होंने शासन प्रशासन ने ये तो माना है कि हमारे यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और कुछ उच्च अधिकारियों को के खिलाफ कल ही कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जो उन्होंने उन अधिकारियों ने जो कृत्य किया गलत किया ये माना भी गया, उस कृत्य को बराबर जारी रखा जा रहा है और उसको कृत्य को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें कार्यमुक्त किया जा रहा है। ये कौन सी विडंबना है कि जब आप मालूम कर ली कि वो कार्यवाही गलत की गई थी, स्थानांतरण गलत किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उन स्थानांतरण को यथावत रखा जा रहा है, जो कि बहुत ही जो है निंदनीय है। हाल ही में जो है देखा जा रहा है कि कुछ साथियों का था दो दो जगह स्थानांतरण कर दिया गया है, न तो उन्हें कार्यमुक्त किया जा रहा है न जो जैसा कि आप कवरेज कर रहे हैं कि 14 तारीख को डीजी साहब का घेराव किया था। जब डीजी साहब का घेराव समस्या के निराकरण के लिए किया था, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक रुख नहीं लिया। जब सकारात्मक रुख उन्होंने नहीं दिखाया तो उसी दिन घोषणा की थी कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। उस दूसरे प्रथम चरण में 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कार्य काला पीता बांधकर कार्य किया गया, जैसा कि आप जानते हैं, और 24 तारीख के बाद में भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो 25 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अर्थात कल घेराव किया गया। मथुरा के थाना कोतवाली के मछली मोहल्ला में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने युवक का गला काट दिया, घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिला अस्पताल में घायल अवस्था में उसे भर्ती कराया गया था। ये थाना कोतवाली के भरतपुर गेट स्थित मछली मोहल्ले का रहने वाला इमरान बताया जा रहा है। घायल ने बताया कि उनके पड़ोस में महिलाओं में आपसी कहासुनी हो रही थी, इसी बात को लेकर झगड़े के बीच में वे बोल गए तो पड़ोसी के कई लोगों ने आकर उन पर अचानक हमला कर दिया और मारपीट कर दी। यही नहीं, पड़ोसी के लड़कों ने धारदार हथियार से गला काट दिया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, तब तक परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम तो लेचैन से कुछ भी कोई भी नहीं बोल रहा था, तब इनके पहले इनके घर की लेडीजों ने हमारे घर में हद्दा फेंका था, फिर वहाँ के बाद में इनके घर वाली जेंट्स हैं फिर उन्होंने फिर हमारे घर में फेंकी, फिर हमारे चाचा ने भाई सल एक छोटी सी ईंट की फेंकी थी वो नीचे गिर गई, कहीं की भी नहीं लगी थी, और जो पीछे से आके गली हमारी पार है पीछे से आके बिनरबा ने सलमान ने हमारा चाचा का गला काट दिया था। कौन है सलमान, क्या करता है? वो पैरी करता है और अब दुकान खोल लिए, 2-3 दिन पहले पैरी कर रहा था, अब दुकान खोल लिए कबाड़।